हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव बायोलॉजी क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको चैप्टर वन सेल डिवीजन समझाऊंगी। सो सेल डिवीजन समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि सेल क्या होता है। तो सेल आप सब लोग ही बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब से बायो पढ़ना स्टार्ट किया है, कि बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है सेल। बेसिक एंड फंडामेंटल, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक बिल्डिंग होती है, तो उसका बिल्डिंग ऐसे ही नहीं बन जाती है। बिल्डिंग का जो बेसिक यूनिट होता है वो होते हैं ईंट कह लीजिए या फिर ब्रिक कह लीजिए। सो उसी तरह सेल्स होता है, बेसिक है, फंडामेंटल यूनिट है, एक कंसेप्शन पॉइंट होता है, वहाँ से एक क्लस्टर बनता है फिर सिमिलर सेल्स का, और वो टिश्यू एंड ऑर्गन एंड देन होल बॉडी आपका बना देते हैं। तो ये होता है सेल। सेल्स में दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है यूनिसेलुलर, एक होता है मल्टीसेलुलर। सो जो ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर होते हैं, सो उनमें सेल डिवीजन जो होता है वो इस तरह से होता है कि एक जो सेल होता है वो दो में डिवाइड हो जाता है, एंड बस ये एक तरह से रिप्रोडक्शन हो गया। एक सेल था, उसके दो डॉटर सेल्स हो गए। अब यहाँ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, सेल्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया है, सोमैटिक सेल्स एंड रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो सोमैटिक सेल्स वो होते हैं जो आपकी बॉडी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, और रिप्रोडक्टिव सेल्स वो होते हैं जो जाइगोट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ये हो गया हमारा दो टाइप्स के सेल्स। इसमें डायरेक्टली होता है, इसमें दो टाइप्स होते हैं, सोमैटिक एंड रिप्रोडक्टिव। इसका थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न है। फिर अब हम लोग पहले तो ये जान लेते हैं कि सेल्स आखिर डिवाइड क्यों होते हैं। सेल्स डिवाइड होते हैं, फर्स्ट पॉइंट है ग्रोथ। जब तक आदमी की ग्रोथ नहीं होगी तो वो कैसे बड़ा होगा, और ग्रोथ होने का मेन जो रीज़न है वो है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन प्रोड्यूसेस न्यू सेल्स विच ग्रो एंड फॉर्म अ क्लस्टर ऑफ सिमिलर सेल्स। हमेशा सिमिलर सेल्स एक क्लस्टर बनाते हैं और ये फिर टिश्यू या फिर ऑर्गन फॉर्म करते हैं, एंड दिस इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फिर आता है हमारा रिप्लेसमेंट ऑफ डेड सेल्स। हमारी बॉडी में कंटिन्यूअसली एग्जिस्टिंग सेल्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं, और इनको रिप्लेस करने के लिए हमेशा न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं, ताकि हमारी जो बॉडी है वो नॉर्मल फंक्शन कर सके। सो सेल डिवीजन हेल्प्स इन द रिप्लेसमेंट ऑफ डेड सेल्स एज वेल। उसके बाद हमारा आता है रिपेयर ऑफ टिश्यूज। इन केस ऑफ इंजरीज और नॉर्मल वियर एंड टीयर ऑफ द टिश्यूज, कभी चोट लग गई, कभी कोई इंजरी हो गई, तो सेल डिवाइड करते हैं और वहाँ जो इंजर्ड सेल्स थे उनको जो ब्रोकन कट्स थे उनको हील करते हैं। और सेल डिवीजन इसीलिए बहुत एसेंशियल होता है फॉर द रिपेयरमेंट ऑफ टिश्यूज। उसके बाद आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। द सेक्स सेल्स दैट इज स्पर्म्स एंड एग्स आर फॉर्म बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन मियोसिस। दस दीज सेक्स सेल्स फॉर्म जाइगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। द सेल्स डिवीजन इज एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन। जो हमारा स्पर्म होता है वो भी एक सेल है, एग सेल होता है विमेन में। सो ये जब एक साथ मिलते हैं दे फॉर्म द जाइगोट एंड फर्टिलाइजेशन होता है। तो इस तरह रिप्रोडक्शन भी सेल्स के थ्रू ही होता है, इसलिए सेल्स का डिवीजन होना बहुत नेसेसरी है। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। तो दो तरह से सेल्स डिवाइड होते हैं, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। सो जो माइटोसिस होता है वो सोमैटिक सेल्स में होता है, और इसमें एक एक्सेप्शन है कि रिप्रोडक्टिव सेल्स में भी होता है, जो कि स्पर्मेटोगोनिया एंड यूगोनिया है, इन दो में भी माइटोसिस होता है। लेकिन जो माइटोसिस होता है वो लीड करता है टुवर्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो भी हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है, हम लोग का बढ़ना, हम लोगों में जो डेवलपमेंट होते हैं हर तरह से, वो सबका कारण होता है माइटोसिस। फिर सेकेंड होता है मियोसिस, ये होता है रिप्रोडक्टिव सेल्स में। रिप्रोडक्टिव सेल्स में क्या मतलब हुआ इससे, कि जो हमारा गैमेट फॉर्मेशन है, जब फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, फिर जो गैमेट फॉर्मेशन होता है, ये सब होता है मियोसिस से। अब हम लोग समझेंगे कि माइटोसिस क्या होता है। माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारा पेरेंट सेल है वो दो में डिवाइड होता है और दोनों होते हैं डॉटर सेल्स, और ये जो डॉटर सेल्स होते हैं ये एकदम आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे, और पेरेंट से भी बिल्कुल एक जैसा इनका मतलब जो डिवीजन होता है डॉटर सेल्स का, तो ये पेरेंट से भी बिल्कुल आइडेंटिकल ही होते हैं। ये दोनों तो होते ही हैं, साथ में पेरेंट से भी आइडेंटिकल होते हैं। जो माइटोसिस है इसको इक्वेशनल डिवीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसमें क्रोमोसोमल नंबर होता है वो पेरेंट का जो होता है वो मेंटेन रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, इसीलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। तो मतलब माइटोसिस मतलब क्या हुआ, एक पेरेंट सेल डिवाइड हो रहा है टू डॉटर सेल्स में, जिनका कि बिल्कुल जो एक दूसरे से आइडेंटिकल हैं और पेरेंट से भी एवरी रिस्पेक्ट में वो एक जैसे ही हैं।
जो हमारा मियोसिस है वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, गैमेट फॉर्मेशन करता है। एंड क्रोमोसोम्स जो होते हैं इसमें, ये क्वेश्चनल डिवीजन नहीं है, इसलिए क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक बार डिवाइड होते हैं, और फिर जो उनका न्यूक्लियस होता है अंदर, वो दो बार डिवाइड हो जाता है। सो जो क्रोमोसोमल नंबर होता है वो हाफ रिड्यूस रह जाता है। तो मियोसिस जो है वो माइटोसिस से डिफरेंट है, और मियोसिस में रिप्रोडक्टिव सेल्स में पार्ट लेता है, ये आपको याद रखना है, और इसमें जो क्रोमोसोमल नंबर होता है वो हमेशा हाफ हो जाता है। तो इसको मियोसिस इज अ मॉडिफाइड माइटोसिस ये भी हम कह सकते हैं। तो अभी मैंने आपको इतना एक्सप्लेन कर दिया है, इसके बाद जो इसके फेजेस हैं मियोसिस और माइटोसिस के, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ गौरव इकोनॉमिक क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।